हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल भैया। एंड आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे प्यारे से हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन, जिसे लिखे हैं टेरेंस रेटिगेन ने। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं, यानी कि कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती है जिसका ना हाथ होता है ना पैर होता है, यानी कि वो चैप्टर में कोई सेंस और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती। वो कहीं से भी शुरू होता है और कहीं पे भी खत्म हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि ये शुरू ऐसे क्यों हुआ और एंड ऐसे क्यों हुआ। तो अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई तू ऐसी बातें यहाँ पे क्यों कर रहा है। तो यार, मैं उन कुछ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग फट जाएगा, छोटा सा दिमाग है, उसे मतलब अच्छी चीजों में लगाओ, इग्नोर मारो, जो भी मैंने अभी बोला। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ना, द ब्राउनिंग वर्जन, ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा बुक है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि हमें तो कुछ ही पेजेस पढ़ने हैं, जैसे 4 या 5 पेजेस पढ़ने हैं। तो देखो भाई, ये एक बहुत बड़ा सा बुक है जिसके बीच के कुछ पार्ट को हमारे बुक में दिया गया है, कुछ क्या बहुत छोटे से पार्ट को दिया गया है। और इस जो बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें कौन कौन है, इसमें बेसिकली 4 कैरेक्टर्स है, ठीक है। सबसे पहला है टैपलो, जो कि 16 साल का लड़का है। दूसरे हैं फ्रैंक, जो कि एक बहुत ही यंग टीचर है। यंग टीचर में तो समझ रहे हो, समझ ही रहोगे यार। और तीसरे जो है एक मिडिल एज्ड टीचर है, जिनका नाम है क्रॉकर हैरिस, और उनकी वाइफ है जिनका नाम है मिली क्रॉकर हैरिस, ठीक है। तो बस यही 4 कैरेक्टर है और इन्हीं पे पूरा स्टोरी घूमेगा बेसिकली। देखो, टैपलो और फ्रैंक मेन है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट जो हमारा ये स्टोरी का है या फिर हमारे जो चैप्टर का है, इन्हीं के सराउंडिंग में घूम रहा है। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हमारा प्ले कुछ इस प्रकार शुरू होता है। टैपलो क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा होता है, ठीक है। टैपलो जो 16 साल का लड़का है, वो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है। तभी वहां पे फ्रैंक आते हैं। फ्रैंक कौन है, वहां के यंगेस्ट टीचर समझ लो, ठीक है। वो आते हैं और वो पूछते हैं टैपलो से कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो टैपलो रिप्लाई करता है कि नो सर, मैं आपको नहीं जानता हूँ। फिर फ्रैंक पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो टैपलो रिप्लाई करके कहता है, सर टैपलो। फिर फ्रैंक पूछते हैं कि क्या तुम एक साइंटिस्ट हो। तो टैपलो कहता है, नो सर, अभी तक तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, अभी तक तो मैं लोअर 5th ग्रेड में हूँ, और अगर नेक्स्ट टर्म तक मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मैं अभी जो रिजल्ट आ रहा उसमें पास हो गया, तो शायद मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाऊँ और शायद मैं साइंटिस्ट कुछ टाइम में बन जाऊँ, ठीक है। अभी टाइम है उसका साइंटिस्ट बनने में। तो फिर फ्रैंक पूछते हैं कि तुम्हें अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। फिर टैपलो रिप्लाई करता और कहता है कि नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने हमें अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं बताया है। तो फिर फ्रैंक बोलते हैं कि क्यों नहीं। तो फिर टैपलो कहता है कि सर, आपको तो पता ही होगा कि वो क्या चाहते हैं। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि हेडमास्टर जो होते हैं, उन्हें एक रूल है, मतलब उन्हें बताया गया है कि टर्म के लास्ट डे में ही सबको रिजल्ट बताना है, पर इस रूल को तो कोई फॉलो नहीं करता है। ऐसा टैपलो कहता है कि सर, ये रूल को तो कोई फॉलो नहीं करता है एक्सेप्ट क्रॉकर हैरिस के। फिर फ्रैंक रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं भी मानता हूँ कि मैं भी इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता हूँ, पर अब तुम क्या कर सकते हो। अब तुम्हें कल तक का तो वेट करना ही होगा कि तुम अपना फेट यानी कि फ्यूचर जान सको, यानी कि अपना रिजल्ट जान सको। तो इस समय ये पता चल रहा है कि कल ही टर्म का आखिरी दिन है। अब टैपलो रिप्लाई करता और कहता है कि यस सर। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा, अगर तुम पास हो गए तो तुम क्या लोगे। तो फिर टैपलो रिप्लाई करता है, ओ साइंस सर। तो फिर फ्रैंक पूछते हैं कि नहीं यार, मुझे फिर से वो स्लैकर्स नहीं चाहिए। तो फिर टैपलो कहता है कि नो नो सर, मैं स्लैकर्स नहीं हूँ, मुझे साइंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक्सेस। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि स्लैकर्स वो स्टूडेंट होते हैं जो कि बस जोश जोश में साइंस ले लेते हैं और उन्हें साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि आर यू श्योर कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, यानी कि साइंस में इंटरेस्टेड हो। तो टैपलो कहता है कि यस सर। तो फिर फ्रैंक कहते हैं, नहीं यार, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एटलीस्ट वो सब्जेक्ट में जो कि मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो टैपलो कहता है कि सर, जो भी हो, मुझे साइंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, और एटलीस्ट साइंस का बुक इस मक से तो अच्छा ही है। यहाँ पे जो टैपलो है वो एक बुक की तरफ इंडिकेट करता है और उसे मक कहता है। मक का मतलब होता है कचड़ा। तो वो कहता है कि सर, इस कचड़े से अच्छा तो साइंस का बुक है ना। तो फिर वो कहते हैं कि वो कचड़ा है, वो कचड़ा जिसे तुम कह रहे हो वो कौन सा बुक है। तो फिर वो कहता है
असाइलस सर द एग्मेनम। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि तुम्हें एग्मेनम मक लगता है यानी कि कचड़ा लगता है। फिर टैप्लो रिप्लाई करता है कि वेल नो सर, ये पूरी तरह से भी कचड़ा नहीं है, मतलब कि हाँ इसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें एक वाइफ अपनी हस्बैंड का मर्डर कर देती है और इसी तरह का बात है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, पर जिस तरह से हमें ये पढ़ाया जाता है और जिस तरह से इसके अंदर बीच में एक ग्रीक वर्ड को ठूस दिया गया है 50-50s ऑफ लाइंस में, ये दिमाग खराब कर देता है, दिमाग का दूध दही कर देता है, ऐसा कुछ टैप्लो कहना चाहता है। फिर फ्रैंक बोलते हैं तुम काफी बिटर साउंड कर रहे हो। यार मैं अभी सोच रहा था कि ये अगर इंडियन होता तो ये कैसे बोलता, तुम काफी कड़वे साउंड कर रहे हो। समझ रहे हो ना। फिर टैप्लो रिप्लाई करता है और कहता है कि हाँ सर, अब और क्या ही कह सकता हूँ। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि क्या तुम किपिन में हो, यानी कि क्या तुम्हें किसी ने पनिशमेंट दिया है। तो फिर टैप्लो कहता है नो सर, मैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ। तो फिर फ्रैंक कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क, वो भी स्कूल के लास्ट डे पे। फिर टैप्लो कहता है कि हाँ सर, मैं पिछले वीक के लास्ट डे पे एबसेंट हो गया था, इसलिए मुझे आज एक्स्ट्रा वर्क के लिए आना पड़ा, वरना मैं भी दूसरों बच्चों की तरह अभी गोल्फ खेल रहा होता, देखिए कितना अच्छा वेदर है। तो फिर फ्रैंक बोलते हैं कि हाँ बैड लक, पर क्या पता इसमें भी तुम्हें एक फायदा हो जाए, यानी कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि स्कूल के लास्ट डे पे भी शाम में जहाँ दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं तुम एक्स्ट्रा वर्क के लिए आए हो, तो हो सकता है तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए इसके लिए। तो फिर टैप्लो कहता है वेल, अगर ऑर्डिनरी टीचर होते, दूसरे टीचर होते, तो हाँ वो शायद इस पे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते, पर ये चीज़ ना हमारे क्रॉकर हैरिस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो रूल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो इन सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स तो देने वाले है नहीं। फिर टैप्लो कहता है कि पता है फ्रैंक सर कि उन्होंने क्या बोला था कल जब मैंने उनसे पूछा था ऐसी फ्रेंडली वे में कि सर मुझे कितने मार्क्स आए हैं। तो फ्रैंक कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर बताओ उन्होंने क्या कहा था। फिर टैप्लो अपने सर का यानी कि क्रॉकर हैरिस सर का आवाज नकल करते हुए एकदम जेंटल टोन में कहता है कि माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड नो मोर, यानी कि तुम्हें उतना ही मार्क्स मिला है जितना तुम डिजर्व करते थे। फिर टैप्लो कहता है कि सर मुझे तो लगता है कि मैं पिछले वीक जो एबसेंट था उसके लिए वो तो मेरा और ग्रेड घटा दिए होंगे, और मुझे तो लगता ही नहीं है कि क्रॉकर हैरिस सर ह्यूमन भी है। फिर वो कहता है कि सॉरी सर, क्या मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया। फिर फ्रैंक कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। समझ रहे हो ना। फिर टैप्लो कहते हैं सॉरी सर, मैं तो फ्लो में निकल गया। फिर फ्रैंक बगल में पड़े न्यूज़पेपर को उठाते हैं, उसे खोलते हैं और फिर बैठते हुए बोलते हैं अच्छा टैप्लो। फिर टैप्लो कहता है यस सर। अच्छा तुम मुझे फिर से बताओ ना कि एक्चुअली मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने किस तरह से तुम्हें बोला था। तो फिर जो टैप्लो होता है वो वापस से रिपीट करता है कि तुम्हें उतने ही मार्क्स मिले हैं जितना तुम डिजर्व करते हो। फिर फ्रैंक कहते हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं बोले, एक्चुअली तुम एक काम करो, तुम वही अच्छा सा प्यारा सा एसलस पढ़ो, तुम्हारे लिए वही चीज सही है और तुम चुप बैठो। फिर टैप्लो डिसलाइक टोन में कहता है एसलस। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें किस टाइम पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आने के बोला था। तो वो बोलता है सर 6:30। तो कहते हैं फ्रैंक कहते हैं कि वो तो अभी तक 10 मिनट्स लेट है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ से कट क्यों नहीं लेते, निकल क्यों नहीं लेते हो, अभी भी टाइम है, तुम जाके गोल्फ खेल सकते हो। फिर टैप्लो रिप्लाई करता है ओ नो सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और अगर मैंने ऐसा किया भी तो भगवान ही जाने मेरे साथ क्या होगा, हो सकता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस मुझे मेरे घर तक फॉलो करते हुए आ जाए। फिर फ्रैंक बोलते हैं ओ हाँ मुझे भी पता है, तुम सारे लड़के मिस्टर क्रॉकर हैरिस से बहुत डरते हो, एक्चुअली ऐसा क्यों है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या वो तुम्हें मारते हैं या फिर कुछ और करते हैं, प्लीज मुझे बताओ तो जरा। और फ्रैंक ये भी बोलते हैं कि हाँ मैं उनसे थोड़ा बहुत जलता भी हूँ, क्योंकि तुम सारे लड़के उनके सामने डिसिप्लिन में रहते हो। तो फिर टैप्लो कहते हैं कि ओ नो सर, वो हमें बिल्कुल नहीं मारते, वो किसी सैडिस टाइप के पर्सन नहीं है, जैसे हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स दूसरे टीचर्स हैं जो कि ये समझते हैं कि लड़के कुछ नहीं समझते और उन्हें मार पीट करके रखा जाए तो वो कंट्रोल में डिसिप्लिन में रहेंगे। तो फिर फ्रैंक कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम फिर से जोर से बोल सकते हो। तो फिर टैप्लो कहता है कि अ सैडिस सर, वो लोग जो कि दूसरों को दुख दर्द यानी कि पेन देके खुद अच्छा महसूस करते हैं।
यानी कि दूसरों को पेन देके उन्हें अच्छा महसूस होता है। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा तो तुमने अभी कहा कि कुछ दूसरे टीचर्स हैं जो कि ऐसे हैं। फिर टैपलो रिप्लाई करता है कि हाँ सर, यहाँ पे हमारे स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, पर सर आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं, आप बहुत ही यंग टीचर हैं, एज वेल एज आप साइंस के टीचर हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि सैडिज्म क्या होता है। फिर फ्रैंक थोड़ा सा रुकते हैं और फिर टैपलो से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारा स्कूल किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर टैपलो रिप्लाई करता है और कहता है कि सर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो क्रॉकर हैरिस सर हैं वो एक सैडिस्ट नहीं है, और अगर वो ऐसे होते तो वो काफ़ी डरावने होते और एटलीस्ट उस टाइम उनके पास कुछ फीलिंग्स होती, पर अभी जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं है और उल्टा वो डरते हैं अंदर से कि, और वो डरते भी और वो दूसरे को हेट भी करते हैं, वो उन लोगों को हेट करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। और फिर टैपलो कहता है कि मैं ऐसा कोई और टीचर को नहीं जानता जो कि ऐसा बनना चाहता है, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की तरह बनना चाहता है। फिर फ्रैंक भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी ऐसा किसी को नहीं जानता जो कि जानबूझकर ऐसा बिहेव करे। फिर टैपलो रिप्लाई करता और कहते हैं कि वैसे तो सर ये क्रॉक सर का नेचुरल बिहेवियर ही है। फिर फ्रैंक सर एकदम सीरियस टोन में कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। फिर टैपलो रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ सर वही मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और पता है फनी थिंग तो ये है कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग मुझे वो सब बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत पसंद है। और शायद इसी बात से कभी कभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस खुद भी घबरा जाते हैं कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। फिर टैपलो कहता है नो सर आई एम नॉट। वो कहता है कि सर मैं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा। फिर वो एक किस्सा सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर ने क्लास में एक जोक क्रैक किया था जो कि क्लासिकल में था, क्लासिकल जोक था और बहुत ही हार्ड टर्म्स में था, हार्ड वर्ड्स में था, तो वो जो किसी को समझ में नहीं आता है पर जो टैपलो होते हैं वो उनका मन रखने के लिए हंस देते हैं। तो फिर पता है टैपलो मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस टैपलो को क्या रिप्लाई देते हैं? तो फिर फ्रैंक बोलते हैं नहीं। तो फिर टैपलो कहता है कि सर मान लीजिए मैंने कोई जोक क्रैक किया है, मुझे वो जोक तो याद नहीं है, पर मान लीजिए मैंने कोई हार्ड जोक क्रैक किया है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप हंसिए। फिर फ्रैंक हंसते हैं। फिर जो टैपलो होता है वो कहता है, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर का एकदम आवाज नकल करते हुए वो कहता है कि सिंस मेरा जो छोटा सा जोक था उस पे तुम हंसे, जो कि लैटिन लैंग्वेज में था, जो कि बाकी किसी को समझ में नहीं आया, बस तुम्हें समझ में आया, इसका मतलब तुम्हें लैटिन लैंग्वेज की थोड़ी सी जानकारी है और तुम्हें समझ में आया, यानी कि तुम मेरे जोक पे हंसे, इसका मतलब तुम्हें भी मज़ा आया। और क्या तुम मेरे इसी जोक को दूसरे बच्चों को, यानी कि दूसरे स्टूडेंट को समझा सकते हो ताकि वो भी हंस सके? तो देखो अचानक से यहाँ पे ऑथर जो है वो इंटरप्ट कर रहे हैं हमारे प्ले के बीच में और फिर बोलते हैं कि उसी टाइम मिली क्रॉकर हैरिस गेट खोलकर उस जगह पे आ जाती है जिस जगह पे फ्रैंक और टैपलो बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि वो किस तरह से ड्रेस्ड है। वो बताते हैं कि वो जो मिली क्रॉकर हैरिस है, यानी कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड है, जैसा कि कोई और टीचर की वाइफ नहीं होगी शायद से। और वो एक कैप पहनी हुई है और उनके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है। फिर यहाँ पे वो बता रहे हमारे ऑथर कि मिली क्रॉकर हैरिस उस जगह पे कुछ टाइम तक खड़ी हुई है जब तक फ्रैंक और टैपलो उन्हें नोटिस नहीं करते हैं तब तक। और यहाँ पे प्ले कंटिन्यू है। जो फ्रैंक है वो पूछते हैं टैपलो से कि अब इतना सेल्फिश मत बनो, अब मुझे बता भी दो कि वो जो क्या था। फिर अचानक से फ्रैंक कहते हैं ओ लॉर्ड, यानी कि अचानक से घूमते हैं और कहते हैं ओ लॉर्ड, और अचानक से रिलीव फील करते हैं मिली को देख के। और फ्रैंक कहते हैं ओ हेलो, फिर मिली भी कहती है हेलो। और वो जो मिली होती है वो आराम से साइड बोर्ड के पास आती है और अपना बास्केट को, शॉपिंग बास्केट को वहाँ रख देती है। फिर वहाँ पे जो टैपलो होता है वो फ्रैंक की तरफ जाता है और एकदम विस्परिंग वॉइस में, यानी कि धीमी आवाज में पूछता है कि आपको क्या लगता है इन्होंने सब कुछ सुन लिया? फिर फ्रैंक सर जो होते हैं वो सिर हल्का सा मूव करते हुए, यानी कि हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे तो लगता है उन्होंने सुन ही लिया होगा क्योंकि ये यहाँ पे काफी टाइम से खड़ी है। फिर टैपलो कहता है कि लगता है अब तो मैं बिल्कुल भी कल पास नहीं होने वाला अगर उन्होंने अपने हस्बैंड क्रॉकर हैरिस को बता दिया तो। ये सुन के फ्रैंक कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, मतलब क्या बात कर रहे हो तुम। और उसके बाद वो वहां से उठ के फायरप्लेस के पास चले जाते हैं। और तभी जो मिली क्रॉकर हैरिस होती है वो बास्केट अपने साइड बोर्ड से उठाती है, थोड़ा आगे आती है और टेबल के ऊपर रख देती है। फिर मिली टैपलो से पूछती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो?
टैपलो कहता है यस मैम। फिर मिली कहती है कि वो तो अभी बुरसार्स में है और उन्हें यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की यहाँ से चली जा चुकी होती। फिर टैपलो कहता है मुझे तो यहाँ आना था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर मिली कहती है अच्छा ठीक है, तो तुम कुछ टाइम के लिए भाग क्यों नहीं जाते, क्वार्टर ऑफ एन आवर के लिए, यानी कि 45 मिनट्स के लिए यहाँ भाग क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आने वाले 45 मिनट्स से पहले। फिर टैपलो कहता है कि अगर वो मेरे से पहले यहाँ पे आ गए तो। फिर मिली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी कि मैंने इसे अपने काम से बाहर भेजा था। फिर मिली क्रॉकर हैरिस अपने बास्केट से एक दवाइयों का पुर्जा निकालती है और फिर टैपलो को देते हुए कहती है कि अगर वो तुमसे पहले यहाँ पे आ गए तो मैं कह दूंगी कि ये आपकी ही दवाइयाँ लेने गया था केमिस्ट के पास और मैंने ही इसे भेजा था, और इस तरह से वो तुम्हें डांटेंगे भी नहीं और तुम ये सारी दवाइयाँ लेते भी आना। फिर टैपलो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। फिर वो वहाँ से डोर को ओपन करते हुए बाहर की ओर निकल जाता है, और इसी तरह हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। देखो ये जो चैप्टर है ना, मैं सच बोलूं तो काफी चिंदी सा चैप्टर है, पर इसे पढ़ने के बाद हल्का सा इमोशनल फील होता है। पता नहीं मुझे ही फील हो रहा है या फिर तुम सभी को फील हो रहा है, आई डोंट नो। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा इमोशनल आदमी हूँ, मुझे किसी भी चीज में इमोशनल फील होने लगता है, पर ये बात नहीं है। देखो मेन इस चैप्टर में हुआ क्या तुम सबको समझ में आ रहा होगा। फ्रैंक और टैपलो कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात किए, फिर मिली क्रॉकर हैरिस आती है लास्ट में, और फिर जो भी ड्रामा हुआ तुम सब देख सकते हो। बेसिकली इस स्टोरी में ना जिन लोगों के बीच में बात हुई वो कौन कौन है, फ्रैंक, टैपलो और मिली क्रॉकर हैरिस। और यहाँ पे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो इस प्ले में नहीं है, बस उनके बारे में बात किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।